दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है। मेरे साथ 28 जुलाई बैच के स्टूडेंट। हेलो, आज ऑडियो में जितना भी आईसी जितने भी प्रोटोकॉल समझाए, किस किस को समझ में आने वाला ऑडियो समझ में आया? तो हमारे हाथ में हमारे एक स्टूडेंट है वन लाल, और उसका A51 सेट है जिसमें नो ऑडियो है। यहाँ लिखा ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है जब भी हमारे पास ऑडियो आता है कि वो कितनी प्रॉब्लम है। क्या सिर्फ रिंगर नहीं चल रहा, या माइक नहीं चल रहा, या क्या पता हेडफोन नहीं चल रहा? तो हमें सब नहीं चेक करना, सिर्फ दो चेक करना है तो हमें कंट्रोलर का पता चल जाता है। वो दो है, रिकॉर्डिंग और स्पीकर। तो हम दोनों को पहले आओ चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखिए, तो हम यहां पर एक कोड ही है क्योंकि सैमसंग है, और वो कोड आप सबको पता है, बोलो। तो ये एक इंफॉर्मेशन डिटेल आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पर स्पीकर को टच करें तो हमें आवाज बजनी चाहिए, हेलो कुछ बज रहा है क्या? जबकि हमने पूरा सही तरीके से लगाया है। और चलो मैं बोलता हूँ, हो सकता है हमने पीछे से सही नहीं लगाया, हमने वीडियो में मस्कारी कर रहे हैं, जो भी है, जो सोचना है ऑडियंस कुछ भी सोच सकती है। तो स्पीकर नहीं बज रहा, रिसीवर नहीं बज रहा, तो हम रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं कर सकते ना पीछे से। हेलो, अब हम इसमें रिकॉर्डिंग खोलते हैं। तो हम इसमें यहाँ पर जाएंगे और रिकॉर्डिंग वाला खोलेंगे। तो ये देखो, ये रिकॉर्डिंग का हमने खोला है। अब ये रिकॉर्डिंग में जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो ये हमारे नंबर चलने चाहिए, समझ रहे मेरी बात? टाइमिंग है। तो आप देखो, तो जैसे हमने इसको दबाया यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ पर ये दबाया, पर ये चल तो रहा है, ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है। यस सर। बट टाइमिंग चल रही है क्या? नहीं चल रही है। रिकॉर्ड हो रहा है पर टाइमिंग चल नहीं रही है। यहाँ पर कुछ भी फ्लक्चुएशन है, टाइमिंग नहीं हो रही है। ये पॉज कर दी रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग पॉज है, ये हमने इनेबल कर दी, रिकॉर्डिंग रिज्यूम हो गई। और अब हम इसको बंद करेंगे तो ये सेव भी हो जाएगी, पर हमें कुछ दिखाई नहीं सुनाई नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि इस फोन के अंदर मेरा ऑडियो कंट्रोलर बंद है, मुझे इसमें रिंगर आईसी में जाना नहीं है। और हम इसमें सीपीयू सबसे पहले चेक नहीं करेंगे, हेलो, ना हम सीपीयू को रिवॉल्व में जाएंगे, ना सीधे रिंगर आईसी को उठाएंगे। हम इसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से जाएंगे। कैसे जाएंगे? सबसे पहले A50 को अपन इसको खोल लेते हैं, और खोलने के बाद अपन इसका आईसी को देखते हैं कि इसके अंदर ऑडियो आईसी है कौन सा। तो देखो, इस आईसी के अंदर जो ऑडियो आईसी वो है ALC। क्या है बताइए? ALC। तो पहले हमेशा ध्यान रखना, आईसी को बिना खोले, बिना उतारे, बोलो, बिना उतारे सारे वोल्टेज चेक करना है। और अगर सारे आए तो आईसी को उतार के अंदर जिया चेक करना है, हेलो। और आईसी के जिया तीन पार्ट में काम करते हैं। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। पहला बोलो वोल्टेज पार्ट, वोल्टेज का जिया, का सीपीयू पार्ट, सीपीयू का जिया, और लास्ट एंड लीस्ट प्रोटोकॉल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Yes. क्योंकि प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज है जो समझ में आ जाए तो वो बापू है इस फील्ड में, और समझो कि वो काम भी कर सकता है, पढ़ा भी सकता है, दोनों कर सकता है, निकालने लगाना नहीं है। अब अपन इसका डायग्राम उठाते हैं और इसके सारे वोल्टेज चेक करते हैं, फोन को वापस ऑन करेंगे। सो पहले अपन वोल्टेज बजाएंगे। सो अभी हमने इससे पहले एक स्मार्ट PA समझा था, हेलो, मुझे बताओ ये स्मार्ट PA किस किस को समझ में आया? क्लियर है? I2C, I2S, कहां GR चेक करने, कहां पर हमने वोल्टेज चेक करना, सारा चीज मैंने अभी प्रैक्टिकल बताया आप लोगों को। अब हम ये टूटी का खोलेंगे, तो हम ये बाकी सब बंद कर देते हैं। ये टूटी खुला हुआ है, अब यहाँ हम ये जाते हैं और इसका हम बिटमैप भी खोलेंगे, तीनों चीज एक साथ खोलेंगे, तो बिटमैप को भी हमें समझ में थोड़ा सा आएगा। तो यहाँ A505 बिटमैप। ऑडियो में एक खास बात यह है कि आप तीनों को साथ में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली एक साथ चला सकते हैं। तो ये बुडव्यू में प्लस पॉइंट है और ये ग्राफिक्स में नहीं है, प्रीमियर फेस खाली दो पैरेलल के साथ चलता है। ये 4, 5, 6, अभी पता नहीं कितने कर लेता है, मैंने 4 किए हैं, 5 तो नहीं किए, तो बढ़िया चीज है।
अब अपन इसको कंबाइन मारेंगे, अब छोटा करेंगे इसको, अब लेआउट को उठाइए, इसको मारेंगे, अपना डायग्राम हो गया, अब लेआउट बस यही चाहिए। अब अपन बैटरी लगाएंगे और फोन को पूरा चालू करेंगे और इवन स्पीकर को ऑन करेंगे या माइक को रिकॉर्डिंग को ऑन छोड़ देंगे ताकि एक सेशन एक्टिव रहे, तो हमें पता चलते रहे, यहाँ ध्यान दो सब लोग, हमें पता चलते रहे कि हमारा कितने वोल्टेज हमें आ रहे हैं, कितने वोल्टेज कि अगर हम माइक को एक्टिव करके क्यों कर रहे हैं मेरी बात, क्योंकि उससे माइक एक्टिव होगा तो वो एक्टिव वोल्टेज भी पता चल जाएंगे, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग भी हो नहीं, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम फोन को ऑन कर लेते हैं और इसके अंदर, अब इसके अंदर हमारा जो ALC है वो हमारा ये दर है, ये हमारा ऑडियो IC लगा है 6012, ठीक है, और इस IC के अकॉर्डिंग हम पूरा काम करेंगे यहाँ पर, तो फोन को ऑन करके पूरा वोल्टेज चेक करेंगे और प्रॉपर तरीके से डायग्राम के साथ डाटा शीट के साथ फोन को रिपेयर करेंगे, ऐसा हवाबाजी में नहीं कि ये कर ले वो कर ले, ऐसा हवाबाजी में नहीं करना, क्योंकि कैसा है अगर यही करके आप लोग यहाँ बैठे हो काम कर रहे हैं और YouTube का वीडियो देखकर, YouTube का वीडियो कोई सलूशन नहीं होता, वो उनके मोबाइल में सलूशन है आपके मोबाइल में नहीं। अब देखो मैंने ऑडियो की रिकॉर्डिंग को चालू कर दिया है, तो ये चालू हो गया यहाँ पर है ना, अब मैं यहाँ पर अपने फोन को यहाँ रख देता हूँ, तो जितने भी वोल्टेज है इस फोन में बारी बारी सबको चेक करना है और आपको यहाँ पे मुझे बताना है कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब सबसे पहले ध्यान देना है फोन मेरा ऑन है और कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑडियो का जो वोल्टेज होता है, बोलो खाना खा के आयो थोड़े ऑडियो का जो हेलो वो स्लीप मोड पे भी आता है, डजंट मैटर टू मी कि वहां पर कौन सा मोड चल रहा है, बराबर बार बार उसको इनेबल करना पड़े, राइट, कोई लाइट वाइट ग्राफिक चेक नहीं, राइट, क्योंकि वो स्लीप मोड पे चलते हैं, वो स्लीप मोड पे जाने के बाद में वोल्टेज आना क्या हो जाते हैं बंद हो जाते हैं। अपना लो सबसे पहले हमें उस कोड को देखना है, बोलो उस कोड को देखना है, सर VDD लिखाओ, वो सारे वोल्टेज के कोड होते हैं, वो सारे वोल्टेज के कोड होते हैं, हेलो। तो जैसे हम सबसे पहले एक एक करके सारी चीज चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो हम ये चेक करते हैं सबसे 3.3 VDD कोडेक, मतलब ऑडियो को मिलने वाला वोल्टेज, हेलो ऑडियो को मिलने वाला वोल्टेज, ये हमें इस कैपेसिटर में मिल रहा है, हम इसको थोड़ा जूम करेंगे ताकि हमें यहाँ पर भी दिखाई दे और यहाँ पर भी, तो हम ये अगर हम ये लाइन को कर लेते हैं तो पूरी लाइन देखो, पूरी लाइन एनेबल हो जाती है, ये देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, फिर से करता हूँ और इसको इनेबल कर देते हैं, ठीक है, तो पैड इनको सो लाइन हाई इनको, ये पूरी लाइन करना जरूरी है, ये तो ये पूरी लाइन हो गई इनेबल। अभी कैसा है ये देखो, ये लाइन, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज मेन पावर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये मेन पावर से आ रहा है इधर से, और ये वोल्टेज आ रहा है और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, कॉइल वॉइल कुछ नहीं है, तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज चेक करना है, तो ये कैपेसिटर मेरा इधर लगा हुआ है, समझ रहे मेरी बात, इस IC के ये बाद में मेरा कैपेसिटर ये लगा हुआ है C6088 ये लगा हुआ है, तो ये वाला कैपेसिटर है, हेलो यस सर, चेक करें क्या, यस सर, कितना वोल्टेज 1.8, अच्छे से देखो कितना वोल्टेज 3.3। क्यों हम ये तक, क्योंकि तक पूरा ऑडियो काम कर रहा नहीं है और ऑडियो रुक रहा है ना हमारा, तो कहीं ना कहीं ऑडियो के वोल्टेज रुक रहे हैं, हेलो पीछे वाला फैन ऑन कर लो, ये वाला बंद कर लो, देखो वो वाला नहीं, अभी वाला वोल्टेज देखो कितना आ रहा है,
इसका मतलब ये लाइन ओके। अगला वोल्टेज देखते हैं, अगला वोल्टेज एक कॉइल में देखना है, ये भी वोल्टेज कितना है 3.8। ये कॉइल में इसको क्लिक करेंगे तो ये कॉइल वाला है, तो ये कॉइल अगर अपना लगा हुआ है, ये कॉइल अपना ये प्लस बना हुआ है, ये कॉइल ये लगा है, तो ये वोल्टेज इधर यहाँ से आईसी के अंदर जा रहा है और ये वोल्टेज यहाँ से ये आपके पावर से आ रहा है, किधर से आ रहा है पावर से। तो अब ये बोला कॉइल अपना कहाँ लगा है, कॉइल उसके ऊपर ही लगा है, यहाँ पर भी 3.2 3.3। यस ठीक है, अब नोटिस, अब अगर अगला वोल्टेज है 1.8, कौन सा है 1.8। ये हमारा 1.8 की लाइन को क्लिक कर देंगे, ये 1.8 की लाइन हमारी क्लिक हो गई है। तो अब इसमें हम कंपोनेंट ले लेते हैं, तो कंपोनेंट हमारा ये है यहाँ पर, ये 1.8 का क्या कंपोनेंट है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये 1.8 ये PMIC से आ रहा है, LDO42 नंबर से, तो ये हमारा ये कैपेसिटर है, इधर 1.8 आना चाहिए, मतलब ये इधर आना चाहिए 1.8। हम चेक करेंगे, आ गया। अब हम चेक करेंगे एक और 1.8। हेलो ये 1.8 भी आना चाहिए, और सारे इसके इनपुट वोल्टेज है, तो ये सारे वोल्टेज हम चेक करेंगे, तो ये है C6015, तो C6015 इधर है, यहाँ पे प्लस, ये देखो, तो ये वाला वोल्टेज आना चाहिए ये बड़ा वाला कैपेसिटर से, तो ये कैपेसिटर अपना इधर है, नोटिस करो ये कैपेसिटर अपना इधर है, ये दिखाई दे रहा है ये कैपेसिटर, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए देखो, इनमें से एक भी वोल्टेज रुका, ऑडियो कंट्रोलर बंद हो जाएगा, अभी फिलहाल हमारा ऑडियो कंट्रोलर इतने से तो ओके है, अभी हमने सब कुछ चेक नहीं किया, अब इसके बाद हमें चेक करना है, तो ये हमारे पूरे इंपोर्टेंट वोल्टेज काले वाले पूरे इंपोर्टेंट वोल्टेज हो गए। हेलो, अब इसके अंदर के वोल्टेज चेक करना है, समझ रहे मेरी बात, पहले बाहर चेक कर लेते हैं फिर अंदर, क्योंकि फिर आईसी के अंदर जाएंगे, जितना भी रेड वाला जो वोल्टेज है ये हमारा बेसिकली माइक का वोल्टेज है, किसका वोल्टेज है, माइक का वोल्टेज, हाँ, तो माइक का एक्टिवनेस, जब माइक को एक्टिव करेंगे तब वोल्टेज आ जाता है, ठीक है, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। अब इसके साथ हम क्या चेक करें, जैसे कि मैंने आपको ये पास आउट प्रोजेक्ट देखो, इस आईसी को रिबोल करके लगा के कौन कौन बैठ सकता है यहाँ पर, जल्दी बताओ, सब सीपीयू लगा के बैठे हुए हैं, तो छोटा तो कोई भी बोलो स्मार्ट आठ प्रोटोकॉल में चलता है, कितने हेलो, अगर उसको एक बी बैंड चाहिए, हेलो यहाँ पर एक बी बैंड भी आ रहा है ना, जे फाइव का, तो हम ये फाइव का ये बी बैंड देंगे, पर इसे ये बी बैंड से नहीं आ रहा, ये आ रहा था 3.3 कोडेक, जो हमने चेक कर लिया है, समझ रहे हैं। अब इसके बाद क्योंकि हमने देखा कि सर ये तो ऑडियो आईसी है, ये कोई स्मार्ट रिंगर आईसी नहीं है, तो वो आठ प्रोटोकॉल ऑडियो आईसी होते हैं, मतलब रिंगर आईसी में, तो इसके अंदर अब हम क्या दूर है, तो इसके अंदर हम दूरेंगे हमारा ये सारे जितने भी जो इनपुट वोल्टेज है 3.3 और 1 जितने भी आ रहे थे हमने सब चेक कर लिया, अब हम इसको चेक करेंगे इसका I2C, बोलो I2C कितने वोल्टेज के साथ 1.8। ये और देखते क्या क्या है, लो आईसी के अंदर ये, तो यहाँ पर ये सारे हमारे इनपुट है, ये हमारी सारी ट्रैके हैं, या ईयर बी ईयर है रिसीवर में, तो ये सारा हमारा आगे का सप्लाई ये हमें ट्रेसिंग में करना है, ये हमारे I2S डाटा है, क्या है बताइए, तो हम जब आईसी को उतारेंगे, हेलो किसको उतारेंगे, तो हम अपना चार I2S का I2S इंटर इंडिकेट साउंड का हम क्या चेक करेंगे, GR, ये GR कितने से कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी बंद हुआ तो पूरा ऑडियो बंद हो जाएगा, और देखो ये आ गया I2S, तो ये I2S में GR आता है, वोल्टेज नहीं आता, तो हम यहाँ पे खाली ये चेक करेंगे, एक यहाँ पर आप देखो VDD कोडेक 1.8, एक रजिस्टर, अब ये रजिस्टर में क्या बना हुआ है, ये रजिस्टर में अगर हम देखें ये रजिस्टर यहाँ, और ये देखो ये रजिस्टर यहाँ दिखा रहा हूँ, ये इधर देखो, इधर यहाँ खड़े हो जाओ, बाबा ने सलाह दिया, इधर देखो ये दिखाई दे रहा है, ये जो रजिस्टर आपको सैमसंग के अंदर एक
अंदर ग्लाइडिंग के साथ दिखाई दे रहा है सर, वो आपको इधर डाल दो, वो आपको बोर्ड में यहाँ पर जंपर लगा हुआ मिलेगा। हेलो समझे आ रहा है मेरी बात? ये जंपर अगर कहीं हो गया, अगर किसी ने इस पर शोल्डर आयरन मार दिया और ये खुल गया जंपर, तो ये लाइन भी ओपन हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो हम यहाँ पर भी 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो मतलब अभी हमने I2C भी चेक किया, ये सब कुछ चेक करने के बाद अब बाकी क्या बचा? कुछ नहीं, केवल I2S के चीआर, बोलो I2C के चीआर, वोल्टेज, और यहाँ पर और कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि इस आईसी के अंदर बाकी है हमारे सारे प्रोटोकॉल है। क्या बताइए? फिर हम ये चेक करेंगे कि ये कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। हेलो, कोई भी कैपेसिटर आईसी उतारने के बाद करेंगे काम। ये रिसीवर क्या आउटपुट है? ये हमारा हो गया सीबी चार्जिंग पंप। हेलो, कौन सा पंप? चार्जिंग पंप। ये चार्जिंग पंप की सप्लाई यहाँ लगी है, मतलब ये कैपेसिटर जो दो सीरीज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये दो कैपेसिटर हमारे सीरीज में, ये कैपेसिटर हमारे डैमेज नहीं होने चाहिए, इसकी वजह से भी हमारा आईसी काम करना बंद कर देगा। हाँ, एक चार्जिंग पंप कैपेसिटर। बट अब हम क्या करेंगे? अब हम अभी फिलहाल इसको हम आगे चेक करेंगे आईसी उतार कर। अभी हम एक वोल्टेज चेक करते हैं, ये हमारा है। पहले चार्जिंग पंप को चेक करने के लिए वोल्टेज नहीं चेक करना, क्योंकि अगर मैं कुछ वोल्टेज चेक भी करूँ तो देखो कुछ बन जाएगा। पंप है ना भाई, चार्ज होगा कैपेसिटर। देखो तो 1.7 और 1.3, मतलब चार्जिंग पंप भी एक्टिव है। हेलो, अगर कोई वोल्टेज नहीं होता तो चार्जिंग पंप को हम ये मानते कि काम नहीं कर रहा है। अब हमारा दो ही लाइन बची है आईसी को उतारने से पहले चेक करने के लिए, I2C के वोल्टेज, बोलो I2C के वोल्टेज, नोटिस करो ये I2C के वोल्टेज। अब कहने का मतलब है कि यहाँ तो कोई कंपोनेंट दिया है क्या? जल्दी बताओ, बोलो दिया है क्या? और मैंने I2C में अभी आपको एक्सप्लेन किया था किस मॉडल में और किस मॉडल में, अगर I2C की लाइन है, बोलो बोलो, तो उसको जो रजिस्टर से मिलने वाली है, हेलो कहाँ से मिलने वाली है? रजिस्टर से मिलने वाली है, और ये होने वाले क्लब रजिस्टर। क्या होने वाले? अभी हम ये क्लब रजिस्टर चेक कर लें क्या? जल्दी बताओ, चलो तो हम क्या करेंगे, पहले ये इस लाइन को क्लिक करेंगे। जैसे ये लाइन क्लिक हुई तो देखो एक लाइन क्लिक हो गई, ये सीधा जा रहा है सीबू में, और ये भी एनेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये I2C के साथ कनेक्टेड है। और इस लाइन को क्लिक करेंगे SDA, ये देखो पहले SDA को क्लिक करते हैं। तो SDA ये बता रहा है ये सीबू के इधर जा रहा है यहाँ पर, और अब अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो यहाँ पर इसका ये रजिस्टर लगा है, यहाँ पर इसका ये रजिस्टर लगा है, और इस रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये हमें मिल जाएगा कोडेक SDA और इन दोनों के रजिस्टर। तो ये एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है, इन दोनों पर दोनों और 1.8 होना चाहिए। हेलो, हमारा रजिस्टर पहले हम देखते हैं लगा है कि निकला है, तो हमारे रजिस्टर दोनों है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हेलो सर, तो अब हम यहाँ पर दोनों पे वोल्टेज चेक करें क्या? क्या वोल्टेज? 1.8 देखो आ रहा है, दोनों और चेक करना है क्योंकि ये रजिस्टर ओपन हो सकता है, तो एक और होगा। आप देखो मतलब इसमें दोनों वोल्ट नहीं आ रहा। हेलो ओपन है, हेलो फिर से पूछ रहा हूँ मैं, क्या है ऐसा? लाइन ओपन है, लाइन ओपन है, मतलब ये क्लब लाइन ओपन है। अब हम क्या करें? अब हम इस रजिस्टर को चेंज करें क्या? जल्दी बताओ। तो अगर उसके बाद ऑडियो चलता है तो ठीक है, नहीं तो हम ऑडियो आईसी को निकाल के अंदर के सिर्फ हमें क्या चेक करना है? सिर्फ हमको I2S, बोलो I2C और प्रोटोकॉल, और कुछ भी चेक करना नहीं है, क्योंकि हमने सारे वोल्टेज तो चेक कर लिए। तो ये जो रजिस्टर है ये 2.2K का होता है, कितने K का होता है? 2.2K।
क्यों नहीं लगा भाई? इसको झपट नहीं मारना है। हेलो सर, आप पुलअप है, पुलअप को झपट नहीं मारना, सीरीज में मार सकते हैं, पुलअप में नहीं मार सकते, पुलअप लगाना पड़ता है। वॉलपेपर जी दिखाना चाहेंगे, हम वॉलपेपर हटा लेते हैं, हम डायरेक्ट पैनल खोलते हैं। सबसे पहले
स्टार है जीरो स्टार है। आप सबसे पहले स्पीकर बॉडी चेक करेंगे क्या ब्लू क्योंकि एक्टिवेट सब होना चाहिए। रिसीवर भी चेक कर लेंगे। रिसीवर जब चेक करेंगे तो रिसीवर में आवाज आती है। आओ जरा एक जन अब ठीक है रिसीवर वर्किंग है ठीक है। अब रिकॉर्डिंग चेक करेंगे क्योंकि हमारा कंट्रोलर ही हमने चेक करना था तो रिकॉर्डिंग हम चेक करेंगे रिकॉर्डिंग का एप्लीकेशन ओपन करके। तो रिकॉर्डिंग में पहले क्या हो रहा था ये जीगा नंबर नहीं आ नंबर जीरो नंबर आगे नहीं चल रहा सेकंड में ही चल रहा अभी चल रहा है ये अपने इंस्टीट्यूट के अंदर आईसी पे काम करके नहीं हुआ। हेलो हाँ क्योंकि आईसी हाँ आईसी पे काम करके आए हुए समझ रहे हैं और आईसी पे काम करने से भी 100% काम नहीं मिलता। हम यहाँ पर पूरे दिन भर डायग्राम समझते हैं। अगर हमें आईसी पे काम करना होता तो पूरे दिन भर सिर्फ आईसी निकालते और चलो यही करना है तो यही करते फिर डायग्राम समझते नहीं। तो जिस हर चीज की इंपॉर्टेंस है एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके लिए आईसी एक खेल हो जाएगा समझ रहे हो। तब आपको नीड बढ़ेगी स्कीमेटिक की और आपको डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं चाहिए। आपको तो सर ये समझना है सारा सर्किट कैसे काम करता है ताकि मैं हर सर्किट में काम कर सकूं। हेलो तो ये किस किस को समझ में आया जल्दी बताइए आया कि नहीं आया ठीक है। मैं 28 जुलाई बैच हेलो जो सीखना चाहते हो और जो सीखने के लिए आए हो वो सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है किस किस को मिल रहा है जल्दी आज ऑडियो का दिन है तो हमको लग रहा है हम जाके एक ऑडियो आईसी को बनाएंगे। हेलो हम कौन पूरा ऑडियो को चालू करके वोल्टेज निकालेगा जल्दी पक्का पट से ऑडियो नहीं करेंगे। हेलो ये इससे टेलीकॉम है यहाँ हैंड स्किल पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि क्या है ना 98% टीचर्स थ्योरिकल बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं पर प्रैक्टिकल में खुश हो जाते हैं। हेलो इंस्टीट्यूट वाले क्यों और पता है 90% तो ये कहते हैं भाई तुम्हें 30-40% काम आता है तो आ जाओ है ना कि हमारी बस की बात नहीं हम तुमसे रिबोलिंग करवा लें हमारी बस की बात नहीं हम तुमसे सीपीयू लगवा लें। प्रॉब्लम ये है तो इसलिए हम अपना ऑडियो खत्म करने के बाद लाइव सीपीयू फिर कौन कौन लगाएगा जल्दी बताओ चालू करके हम डेड फोन में सीपीयू नहीं लगाते चालू फोन में और अपनी ऑडियो की फ्रिक्वेंसी कौन कौन चेक करेगा जल्दी बताओ कैसी लग रही क्लास जबरदस्त थैंक यू वेरी मच थैंक यू। और सीखते आप कहीं पे भी कैसा भी सीखते हो सकता है ऐसे कम सीखते पता नहीं क्या सीखते पर क्या इतने जोश में सीखते क्या no, 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 no. ये जोश केवल और केवल पूरे इंडिया में के एशिया टेलीकॉम हेलो एशिया टेलीकॉम मतलब एशिया टेलीकॉम मतलब थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ है 28 जुलाई की बेच कौन कौन लाइव है हम सब लाइव है। देखिए कल हम सीपीयू किया हमने 4G सीपीयू किया आज से पहले क्या हम 4G सीपीयू पे काम कर पा रहे थे तो हमारे साथ है 28 जुलाई की बेच कौन कौन लाइव है हम सब लाइव है। देखिए कल हम सीपीयू किया हमने 4G सीपीयू किया आज से पहले क्या हम 4G सीपीयू पे काम कर पा रहे थे। अब ये बताइए कि यहाँ पर एशिया टेलीकॉम को 28 तारीख को ज्वाइन करने के बाद जब आपसे पूछा गया तो माइक्रोस्कोप किस किस के पास थे तो सिर्फ कितने लोगों के पास थे ओनली दो लोगों के पास थे इसके अलावा आपके पास माइक्रोस्कोप भी था क्या माइक्रोस्कोप पे कभी काम किया था अभी क्या पोजीशन है अभी माइक्रोस्कोप हमने 10 मिनट में सेट किया है और हमारा चौथा दिन है। कल हमारा क्या था चौथा दिन था और तीसरे दिन क्या किया हमने एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि तीसरे दिन पावर तो पावर किस किसने लगाई हम सबने लगाई और एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि चौथे दिन सीपीयू तो कल सीपीयू किस किसने लगाया सबने लगाया सीपीयू मैं हूं सीपीयू
जिनसे बात करना चाहूंगा। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है वापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था। मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है, तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं चलो मैं एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जामे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके मेरे हाथ जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीख नहीं आए थे, लेकिन यहाँ में आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट में सर। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर। ठीक महाराष्ट्र से हूँ। ओके हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके वेस्ट बंगाल से हूँ सर, मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था। देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिलने के लिए और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम एमडी सर का बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद, क्लिपिंग हो जाए सर के लिए बहुत शुक्रिया। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे, हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है ना कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है ना कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से